हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं साइबर सुरक्षा से संबंधित। आपका ये आर्टिकल लिखा गया है, आपने देखा होगा जब से आपका कोरोना वायरस की वजह से आपका लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बाद आपका सेतु ऐप आया हुआ है और फिर आरोग्य सेतु ऐप, और आपने जूम ऐप के बारे में भी सुना होगा जो वीडियो कॉलिंग के लिए रहता है। तब से आप ये साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे कुछ ज़्यादा ही उठ रहे हैं, तो आर्टिकल उसी के चक्कर में लिखा गया है परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो चलिए इसके सभी पक्षों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के नाम पर फिशिंग हमलों में उच्च वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन घोटालेबाज कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 महामारी के दौरान इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती जिज्ञासा का लाभ उठा रहे हैं। बात करते हैं साइबर सुरक्षा आखिर क्या है आपकी। साइबर सुरक्षा आपके इंटरनेट और नेटवर्क आधारित डिजिटल उपकरणों और अनधिकृत पहुंच तथा सूचना की सुरक्षा से संबंधित आपका जो भी मुद्दा रहता है वही साइबर सुरक्षा है। बात करते हैं डिजिटल सुरक्षा के बारे में। डिजिटल सुरक्षा को कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच साइबर अपराधियों, आतंकवादी समूहों और हैकर्स द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं से बचाने के लिए बनाई गई तकनीकों और प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया गया है डिजिटल सुरक्षा को। अब हम लोग बात करते हैं साइबर सुरक्षा के साथ मुद्दा क्या है। इंटरनेट अब न केवल सूचना का स्रोत है बल्कि एक ऐसे माध्यम के रूप में भी स्थापित हो गया है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न रूपों में अपने उत्पादों का विज्ञापन और बिक्री करते हैं, अपने ग्राहकों और खुदरा विक्रेताओं के साथ संवाद करते हैं और वित्तीय लेन देन करते हैं। इंटरनेट बहुत सारे लाभ प्रदान करता है और हमें बहुत कम समय में दुनिया भर में न्यूनतम शुल्क और कम मानवीय प्रयासों में अपने व्यवसाय का विज्ञापन करने का अवसर प्रदान करता है। आपने देखा होगा साइटों पर आप कोई साइट खोलते हैं, आपने गूगल पे कुछ सर्च किया या फिर आप कोई वीडियो देख रहे होते तो उस पर एड आता है, तो इस तरह से आपके बहुत ही साधारण शब्दों में और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। मुझे लगता है कि वो उस समय हम लोग बैनर छपवाते थे बहुत पहले और लोगों से प्रचार करवाते थे, उसमें ज्यादा खर्च आता होगा। इसमें नॉर्मल सी बात है कि यार किसी के पास इंटरनेट सुविधा पहुंच चुकी है, तो अगर इस तरह से डिजिटल माध्यम से अगर ऐड करवाते हैं तो सस्ता भी पड़ता है और अधिक लोगों तक पहुंच जाता है वो ऐड। ठीक है, उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए इंटरनेट का निर्माण कभी नहीं किया गया था। इंटरनेट का निर्माण वास्तव में संसाधन साझा करने के लिए स्वायत्त कंप्यूटरों को जोड़ने और शोधकर्ताओं के समुदाय को एक सामान्य मंच प्रदान करने के लिए किया गया था। जैसे जैसे इंटरनेट एक तरफ भारी संख्या में लाभ प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह साइबर आतंकवादियों और हैकरों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। आतंकवादी संगठन और उनके समर्थक कई तरह के उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जैसे आतंकवादी उद्देश्य के लिए जानकारी इकट्ठा करना, उनका प्रसार करना, नए आतंकवादियों की भर्ती करवाना, हमलों को अंजाम देना और आतंकवाद के कृत्यों को प्रेरित करना। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में इस तरह की कई घटनाएं घटित हुई हैं। इसका उपयोग अक्सर आतंकवादी समूह के भीतर संचार को सुविधाजनक बनाने और आतंकवादी उद्देश्यों हेतु सूचना के एकत्रीकरण और प्रसार के लिए किया जाता है। साइबर सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है जो कई विषयों को प्रभावित करता है तथा बहुआयामी बहुस्तरीय पहल और प्रतिक्रियाओं की मांग करता है। इसने सरकारों के लिए एक चुनौती साबित की है, क्योंकि विभिन्न डोमेन आमतौर पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से प्रसारित होते हैं। इस प्रकार कार्य को और अधिक कठिन बना दिया जाता है और खतरों की फैलती प्रकृति और मूर्त अपराधियों की अनुपस्थिति में पर्याप्त प्रतिक्रिया के लिए असमर्थता उत्पन्न होती। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास में गतिहीनता और अनुपयोगों को वाणिज्यिक करने वाली सापेक्षित सहजता ने साइबर स्पेस के उपयोग को अपने संक्षिप्त अस्तित्व में नाटकीय रूप से विस्तार करके देखा है। अपने प्रारंभिक दौर में सैन्य के उपयोग हेतु शिक्षाविदों द्वारा बनाया गया नेटवर्क अब एक वैश्विक सामाजिक और आर्थिक और संचार मंच बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा हाल ही में लाए गए तथ्यों और आंकड़ों से साइबर स्पेस की मानव अस्तित्व में बढ़ती केंद्रीयता का अनुकरण किया जाता है, जिसके अनुसार 2005 और 2010 के बीच इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या दुगनी हो गई है और 2 बिलियन से अधिक है, जो उपयोगकर्ता उपकरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं। देखते होंगे आप अपने पास आसपास भी देखते होंगे कि अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन जरूर रहेगा, वो चलाना आता हो या नहीं आता उसे, लेकिन उसके पास इंटरनेट सुविधा और स्मार्टफोन बराबर होगा। बात करते हैं साइबर अपराध के विभिन्न रूप। साइबर अपराध इंटरनेट, कंप्यूटर या किसी अन्य इंटरकनेक्टेड बुनियादी ढांचे से आपराधिक गतिविधि को दर्शाता यह क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, अवैध डाउनलोडिंग, औद्योगिक जासूसी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, घोटाले साइबर, आतंकवाद सृजन, वायरस के वितरण, स्पैम और इतने पर जैसे अपराधों को कवर करता है। बात करते हैं साइबर स्टैकिंग के बारे में। इसे एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लोगों में अक्सर व्यथित चिंता और भय का कारण बनता है। साइबर स्टार्क्स अक्सर इंटरनेट की गुमनामी का लाभ उठाते हैं, जो उन्हें बिना पता लगे अपनी गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देता है, तथा वे व्यक्तियों की व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ करते हैं, जो उनके मित्र मंडलीय परिवार के सदस्यों से संपर्क करके या इलेक्ट्रॉनिक रूप से लक्षित व्यक्ति की नकली पत्र और मेल भेजकर संभव है। साइबर पीछा एक व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करता है, इसलिए इसे कभी कभी मनोवैज्ञानिक आतंकवाद कहा जाता है। लगभग 90% स्टॉकर्स पुरुष हैं, लगभग 80% महिलाएं इस तरह के उत्पीड़न का शिकार है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब हम लोग अगर फेसबुक कभी आपने रिसेट पासवर्ड किया हो उसका, उससे पहले आपको 3 मित्र चुनने होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग वो 3 मित्र को सिलेक्ट कर देते हैं, वो तीनों के पास OTP जाएगा है। अगर कोई भी आपसे मतलब फेक आईडी बना ले और आपका ओरिजिनल पास जो आईडी है उसे अगर रीसेट करे, वो 3 मित्रों से जुड़ा हो और वो 3 मित्र आपके अगर OTP दे देते हैं उसे, तो आपका फेसबुक हैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कई तरह से लोग हैक कर लेते हैं, तो यही आपकी साइबर स्टैकिंग होती है, उसी का उदाहरण हो सकता है। बात करते हैं बौद्धिक संपदा की चोरी। बौद्धिक संपदा को आर्थिक मूल्य के एक नवाचार अनुसंधान विधि मॉडल और सूत्र के रूप में परिभाषित किया गया। बौद्धिक संपदा को पेटेंट और ट्रेडमार्क और वीडियो और संगीत पर कॉपीराइट के साथ संरक्षित किया जाता है। यह स्पष्ट है कि बाजार रहस्य और आंतरिक व्यापार जानकारी किसी भी संगठन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह व्यवसायिक जानकारी विभिन्न रूप में हो सकती है, जैसे कि भविष्य के उत्पाद डिजाइन, ग्राहक सूची, मूल्य सूची आदि। इंटरनेट का उपयोग अक्सर बौद्धिक संपदा की चोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि नेटवर्क पर पहचान को मुखौटा बनाना आसान है। फिर आपका सलामी हमला। सलामी साइबर हमले में साइबर अपराधी और हमलावर कई बड़ी रकम बनाने के लिए कई बैंक खातों से बहुत कम राशि में पैसे चुराते हैं। परिवर्तन इतना महत्वहीन हो जाता है कि एक मामले में नोटिस करना मुश्किल होता है। मान लीजिए एक बैंक कर्मचारी बैंकिंग सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम बनाता है जो प्रत्येक ग्राहक के खाते में से एक कम राशि, यानी कि जैसे 3 रुपया प्रति माह कम करता है। यह सामान्य धारणा है कि कोई भी ग्राहक शायद इस अनधिकृत कटौती पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन यह साइबर अपराधियों के लिए फायदेमंद होगा जो बड़े पैसे कमाते हैं।
अभी आपने सुना होगा एक संचार कंपनी थी कोई आपकी, 2017 की, 16-17 की बात है। उसने क्या किया कि हर नेटवर्क के छेद से अपने कुछ पैसे काटे, 1-2 रुपये, 1-2 रुपये के बारे में। तो पता है उनका करोड़ों का घपला हो गया, और हम लोग 1-2 रुपये पे ध्यान भी देते दे। अगर हमारे बैंक से अगर 10-12 रुपये कट भी जाएंगे तो हम सोचते हैं ATM चार्ज होगा या फिर कोई और चार्ज होगा, वो भूल जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर 10 करोड़ भी लोग हैं, 10 करोड़ लोग अगर किसी बैंक में जुड़े हैं, वो 10 रुपये काट रही है, कितने हो गए? 100 करोड़ हो गए क्या? अब सोचिए कि आपको लग रहा है कि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हम मतलब नॉर्मल सी राशि है, लेकिन एक बड़े राशि हो जाती है। ठीक है, अरे आपका ईमेल बम्बारी या लक्षित व्यक्ति को बड़ी संख्या में ईमेल भेजना है। ईमेल की एक बड़ी मात्रा सर्वर पर प्राप्तकर्ता के इनबॉक्स को भर देती है, या फिर कुछ मामलों में सर्वर इतनी बड़ी मात्रा में डेटा प्राप्त करने में विफल हो जाता है तथा कार्य करना बंद कर देता है। ईमेल बम बनाने के कई तरीके हैं जो प्राप्तकर्ता ईमेल पते पर लगाकर हजारों या लाखों ईमेल भेजने में सक्षम है। ईमेल बमबारी और ईमेल बाढ़ दोनों शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है और एक ही घटना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे ईमेल बमबारी कहा जाता है क्योंकि प्राप्तकर्ता का इनबॉक्स बड़ी संख्या में अवांछित मेल से भर जाता है और लक्षित व्यक्ति आगे महत्वपूर्ण ईमेल प्राप्त नहीं कर सकता है। इस तरह के आपने देखे होंगे, आपके कई फालतू के ईमेल आते रहते हैं आपकी ईमेल पर। ठीक है, तो ये आपका वही है। तो ये आपका फिशिंग, यह एक तरह का कपटपूर्ण प्रयास है जो व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को पकड़ने के लिए ईमेल के माध्यम से किया जाता है। अपराधी ईमेल भेजता है और जो अच्छी तरह से ज्ञात और भरोसेमंद डोमेन पते से आता है, जो आपकी वित्तीय जानकारी जैसे बैंक का नाम, क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार नंबर, खाता संख्या या फिर पासवर्ड पूछता है। फिशिंग प्रयासों के लिए यह आम है कि ईमेल उन साइटों और कंपनियों से आते हैं जिनके पास बैंक खाता भी नहीं है। फिर आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें एक व्यक्ति किसी और के होने का दिखावा करता है और किसी और के नाम के साथ अपराध करता है। अपराधी किसी व्यक्ति को प्रतिरोपित करने के लिए नाम, पता, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या, खाता और जैसे जानकारी के प्रमुख भाग चुराता है, उसके नाम पर अपराध करता है। अपराध चोरी की गई व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी का उपयोग आपके बैंक खातों तक पहुंचने, नए खाते खोलने, बैंक से इस राशि को स्थानांतरित करने या फिर खरीदने के आदि के लिए करता है। पर आपका स्पूफिंग, यह एक ऐसी तकनीक को संदर्भित करता है जिसमें कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच होती है, जिसे अपराधी आईपी पते के साथ नेटवर्क वाले कंप्यूटर को संदेश भेजता है और प्राप्तकर्ता के अंत में ऐसा लगता है कि संदेशों को एक भरोसेमंद स्रोत से प्रेषित किया गया है, यानी कि भेजा जा रहा है। आईपी स्पूफिंग का संचालन करने के लिए एक हैकर पहले ही विश्वसनीय होस्ट आईपी एड्रेस खोजने का प्रयास करता है, फिर पैकेटों का संशोधन और परिवर्तन यह दिखाने के लिए किया जाता है कि पैकेटों को मूल होस्ट बनाया जा रहा है। फिर आपका वायरस, वायरस एक कंप्यूटर वायरस को प्रचार करने के लिए दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर वायरस केवल तभी प्रभावी होता है जब यह अपने आप को किसी दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम या फिर निष्पादन योग्य फाइलों के साथ जोड़ता है। जब हम इन सहायक फाइलों को चलाते हैं या निष्पादित करते हैं तो वायरस अपने संक्रमण छोड़ देता है। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में जहां तक हम जानते हैं कि वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक घटना नहीं है, इससे विस्तार पाने के लिए हमेशा मानवीय प्रयासों की जरूरत होती है। आपके सिस्टम में वायरस का अस्तित्व तब तक कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि इससे संबंधित निष्पादन युक्त फाइल या प्रोग्राम नहीं चलते। आपने देखा होगा कि जीमेल पर कई ऐसे SMS आते हैं कि जब आप ओपन करते हैं तो आपके जो भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सिस्टम है, उसमें वायरस प्रवेश कर जाता है, इसलिए आपको मना किया जाता है कि जो आप
जिसे नहीं जानते हैं जो जीमेल पर, उसे मत खोलें, ठीक है? क्योंकि जैसे ही आप ओपन करते हैं और आपके सिस्टम में वायरस अपलोड हो जाता है। पर आपका वार्म, वार्म और वायरस दोनों ही शब्दों का आपस में प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रमुख अंतर है क्योंकि वार्म को सहायक संलग्न फाइलों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि वायरस को संलग्न फाइलों की आवश्यकता होती है। सिस्टम में वार्म लगना आपके सिस्टम के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, इसके लिए किसी मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आपका ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स पहली नजर में उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में लगता है, लेकिन वास्तव में कंप्यूटर और उसके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह स्थापित हो जाता है। कुछ ट्रोजन आपके कंप्यूटर को दूरस्थ रूप से नियंत्रित करने के लिए दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ताओं के लिए पिछले दरवाजे बनाते हैं, जिससे गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है। फिर आपका डीओएस, डीडीओएस, डिनाइल ऑफ सर्विस, हमले से कंप्यूटर सर्वर या फिर नेटवर्क संसाधनों को अपने अधिकृत उपयोगकर्ताओं की अनुपलब्ध बनाने का प्रयास होता है। तो आमतौर पर अस्थायी रूप से व्यवधान या फिर सेवाओं के निलंबन का उपयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस को संदर्भित करता है जो एक ही समय में दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के साथ एक से अधिक संक्रमित सिस्टम से फैलता है। इन संक्रमित प्रणालियों को सामूहिक रूप से अटैक कहा जाता है, जो दूर से लक्ष्य प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। फिर आपका पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी से तात्पर्य मुद्रित या फिर वीडियो सामग्री जैसे किताबें, पत्रिकाओं, तस्वीरों और वीडियो क्लिप से है, जिसमें यौन उत्तेजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यौन या फिर गतिविधियों का वर्णन या फिर प्रदर्शन होता है। एक ही व्यक्ति पोर्नोग्राफी में उत्पादन, वितरण और डाउनलोडिंग में शामिल हो जाता है। इसके उत्पादन और वितरण के पीछे प्रेरणा वित्तीय लाभ प्राप्त करना है। तीसरा चरण अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उनका डाउनलोड मनोरंजन करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं हम लोग डिजिटल सुरक्षा की आवश्यकता आखिर क्यों है। व्यापक उपयोग, डिजिटल सुरक्षा व्यक्तियों और परिवारों के साथ साथ संगठनों, सरकारों और शैक्षणिक संस्थानों और हमारे व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सुरक्षा और गोपनीयता का उद्देश्य, बच्चों और परिवारों के सदस्यों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए परिवारों और माता-पिता के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय सुरक्षा के संदर्भ में हमारी वित्तीय जानकारी को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है, जो हमारी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। फिर आपका अनुसंधान और विकास, संकाय छात्र, कर्मचारियों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण व लाभप्रद है। सीखने के साथ यह ऑनलाइन जोखिमों की बहुत सारी अवसर प्रदान किए हैं, इसलिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को यह समझने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि जिससे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और आइडेंटिटी थेफ्ट से स्वयं को कैसे बचाया जाए। ऑनलाइन व्यवहार और सिस्टम सुरक्षा के बारे में उपयुक्त जानकारी के साथ सुविधता में कमी आती है और ऑनलाइन वातावरण सुरक्षित होता है आपका। छोटे और मध्यम आकार के संगठन सीमित संसाधनों और उचित साइबर सुरक्षा कौशल के कारण सुरक्षा संबंधी विभिन्न चुनौतियों का भी अनुभव करते हैं। प्रौद्योगिकियों का तेजी से विस्तार भी साइबर सुरक्षा को और चुनौतीपूर्ण बना रहा है, क्योंकि हम संबंधित समस्याओं के लिए स्थायी समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय साइबर साइबर सुरक्षा नीति के बारे में। 2013 से पहले भारत की कोई साइबर सुरक्षा नीति नहीं थी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक नीतिगत रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से बचाना है। यह नीति सूचनाओं जैसे बे उपयोगकर्ता, वित्तीय और बैंकिंग को सुरक्षित रखने का इरादा रखती है। सूचना और संप्रभु डेटा यह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA के लीक के मद्देनजर विशेष रूप से प्रासंगिक था,
जैसे मैं सुझाव दिया था कि अमेरिकी सरकार, सरकारी एजेंसियां भारतीय उपयोगकर्ताओं पर जासूसी कर रही हैं, जिनके पास इसके खिलाफ कोई कानूनी या तकनीकी सुरक्षा उपाय नहीं है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत साइबर स्पेस को एक जटिल वातावरण के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें सॉफ्टवेयर सेवाओं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का दुनिया भर में वितरण समर्थित लोगों के बीच बातचीत शामिल है। अब आप लोग मानिए या नहीं, अब वो युद्ध होने वाला नहीं है कि आमने सामने से सेनाएं खड़ी हो जाती थी, ठीक है? अब इसी से प्रौद्योगिकी से संबंधित, साइबर सुरक्षा से संबंधित आपका युद्ध होगा कि आपकी साइबर सुरक्षा को दुरुस्त कर दे और आपके जो भी साइबर सुरक्षा के उपकरण ने अपने कब्जे में ले, या फिर आपके ऊपर जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट आप लोग छोड़ते हैं, उन्हें ध्वस्त कर दिया, आपने कंट्रोल में ले लिया, तो इसी तरह से आपके युद्ध होंगे आगे, ठीक? पर आपकी साइबर सुरक्षा नीति का उद्देश्य देख लेते हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत निम्नानुसार उद्देश्यों को परिभाषित करता है। देश में एक सुरक्षित साइबर पर्यावरण बनाने के लिए आईटी सिस्टम में पर्याप्त सुदृढ़ता व विश्वास उत्पन्न करने, जिससे साइबर स्पेस में लेन देन करना, इस प्रकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आईटी को स्वीकारना सम्मिलित है। अनुरूपता मूल्यांकन, उत्पाद प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और लोगों के माध्यम से सुरक्षा नीतियों और वैश्विक सुरक्षा मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के पालन के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और सक्षम बनाने करने के लिए एक आश्वासन ढांचा तैयार करना, एक सुरक्षित साइबर स्पेस इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिनों तंत्र को बढ़ाने और बनाने के लिए आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रणनीतिक जानकारी प्राप्त करने के प्रतिक्रिया संकल्प और संकट प्रबंधन के लिए प्रभावी पूर्वानुमान निवारक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से परिदृश्य बनाना है। ऐसे उत्पादों की सुरक्षा के परीक्षण और सत्यापन के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करके आईसीटी उत्पादों और सेवाओं की अखंडता की दक्षता में सुधार करना है। कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से अगले 5 वर्षों में कुशल कितने 5 लाख हैं देख लीजिए, 5 लाख पेशेवरों के लिए कार्यबल बनाने के लिए क्षमता निर्माण करना, मानक सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए व्यवसायों को वित्तीय लाभ प्रदान करना है। प्रक्रिया के दौरान सूचना के संरक्षण को सक्षम करना, संभालना और भंडारण तथा पारगमन करना, जिसके फलस्वरूप नागरिकों के डेटा की गोपनीयता को सुरक्षित रखा जा सके और साइबर अपराध या फिर डेटा चोरी के कारण अधिक नुकसान को कम किया जा सके। निष्कर्ष तक क्या कहा जा सकता है? यद्यपि हम अपने नेटवर्क और सूचना की सुरक्षा के लिए विभिन्न रूपरेखाओं या तकनीकों को सक्रिय रूप से लड़ रहे हैं तथा बेहतर निष्पादन कर रहे हैं, परंतु ये सभी केवल अल्पावधि के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि बेहतर सुरक्षा समझ और उचित रणनीति हमें बौद्धिक संपदा और व्यापार रहस्यों को बचाने और वित्तीय और प्रतिष्ठा हानि को कम करने में मदद कर सकती है। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें डिजिटल रूप में बड़ी मात्रा में डेटा और गोपनीय रिकॉर्ड ऑनलाइन रखती है, जो साइबर हमले का प्राथमिक लक्ष्य बनता है। ज्यादातर समय सरकारों को अनुचित बुनियादी ढांचे, जागरूकता की कमी और पर्याप्त धन के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकारी निकायों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे समाज को विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करें और स्वस्थ नागरिक सरकार संचार बनाए रखें और गोपनीय सुरक्षा की सुरक्षा करें। आप लोग कर सकते हैं अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा। जब भी आप किसी भी तरह का पासवर्ड डालते हैं, फिर चाहे आपकी सोशल साइट का पासवर्ड हो, नेट बैंकिंग हो गया, ठीक है, इस तरह की, तो उन्हें हार्ड तरह का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाला करिएगा। कुछ कैपिटल में लिख दीजिए, कुछ आपके न्यूमेरिकल वर्ड लिख दीजिए, कुछ संख्याएं लिख दीजिए,
इस तरह से कि पॉसिबल ना हो कि कोई आपका पासवर्ड भी हैक कर सके। समझ में आया? इसीलिए आपने देखा होगा बैंकिंग, नेट बैंकिंग का पासवर्ड वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मांगता है और डाला जाता है उसमें। तो चलिए, यह है आपका साइबर सुरक्षा से संबंधित जो भी आपका आर्टिकल था, सभी बच्चों को हम लोगों ने देख लिया।